पेटियोलेट प्लांट कहते हैं, पेटियोलेट। और कुछ प्लांट होते हैं जो कि लीफ की ब्लेड जो होती है वो एक डंडी जैसे स्ट्रक्चर से नहीं जुड़ी रहती, डायरेक्ट लीफ ब्रांच से निकल जाएगी, वैसे लीफ को हम लोग सेसाइल कहते हैं। तो पेटियोलेट मतलब अगर पेटियोल से जुड़ा है लीफ ब्रांच से तो पेटियोलेट हो गया, और अगर बिना पेटियोल के वो डायरेक्टली ब्रांच से जुड़ा है तो वैसे प्लांट्स को हम लोग या लीफ को हम लोग सेसाइल लीफ कहते हैं। एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है जिसको हम लोग सिंपल और कंपाउंड लीफ कहते हैं। सिंपल लीफ में क्या होता है कि उसमें एक ब्लेड रहता है और वो या तो ब्रॉड हो सकता है या फिर नीडल की तरह हो सकता है, किसी तरीके का हो सकता है। जबकि कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि ये जो लीफ होता है उसमें एक से ज्यादा उसकी ब्लेड होंगी या लीफलेट्स पाई जाएंगी, तो ये ऐसे प्लांट को हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब लीफ का अरेंजमेंट, कोई कोई पूछता है फाइलोटैक्सी क्या होता है। तो ब्रांच पे लीफ की अरेंजमेंट कैसी होती है, अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है, उसको हम लोग फाइलोटैक्सी कहते हैं। आप लोग ये टर्म कभी, हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ ले फाइलोटैक्सी क्या है, तो ब्रांच पे अरेंजमेंट प्लांट। हाँ बोलो। ऑफ कॉलर एंड कॉलेक्स इज कॉल्ड फाइलोटॉक्सी। हाँ ठीक है। पैटर्न जो होता है ना लीफ का, जो अरेंजमेंट होता है उसका, जो पैटर्न होता है उसके स्टेम पे या ब्रांच पे, इसको हम लोग फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि तीन तरीके का हो सकता है ये अरेंजमेंट। एक को हम लोग अल्टरनेट लीफ कहते हैं, दूसरे को अपोजिट लीफ कहते हैं, और तीसरे को वर्ल्ड लीफ कहते हैं। अब क्या है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल जैसे गुआवा है, गुआवा में अपोजिट लीफ पाए जाते हैं, मतलब एक ही जगह से एक लेफ्ट साइड भी लीफ होगा, एक ही जगह राइट साइड होगा, तो इसको अपोजिट लीफ कहते हैं। दूसरा होगा अल्टरनेट लीफ, जैसे चाइना रोज में दिखता है, एक थोड़ा इधर आगे होगा, फिर थोड़ा एक पीछे, फिर थोड़ा एक आगे, फिर थोड़ा पीछे, ऐसा, तो इसको हम लोग अल्टरनेट लीफ कहते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। तीसरा होता है वर्ल्ड लीफ, एक ही जगह पे माला की तरह, गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर होगा लीफ का, तो इसको हम लोग वर्ल्ड लीफ कहते हैं। एक प्लांट है अल्स्टोनिया, या फिर ये जो है लिलियम माइकेगनीज, माइकेगन लिली, ये तो आपने देखा नहीं होगा, तो इसमें इस तरह के वर्ल्ड लीफ हो सकते हैं। आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ऐसे लीफ पा सकते हैं, देख सकते हैं इजीली। अब क्या है वेनेशन, वेनेशन मतलब मैंने आपको बताया ना कि लीफ के जो वेन होता है, एक बीचों बीच एक होगा मेन वेन, जिसको हम लोग मिड रिब या मिड वेन कहते हैं, उसके अलावा पतली पतली और भी वेन्स निकलती हैं उससे, तो वो वेन्स का क्या अरेंजमेंट है ना, उसके बेसिस पे लीफ को दो पार्ट में बांटते हैं। एक को हम लोग रेटिकुलेट कहते हैं, दूसरे को हम लोग पैरेलल कहते हैं। तो पैरेलल में जितने भी जो मिड रिब के अलावा जितने भी वेन्स है ना, वो पैरेलल होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, तो ऐसे को हम, ये ज्यादातर मोनोकॉट लीफ में ऐसे पाया जाता है, ग्रास बेज सुगर के सब में आप पैरेलल वेनेशन देखेंगे। जबकि रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, नेटवर्क बन जाता है लीफ का, दिख रहा है नेटवर्क दिख रहा है पहले वाले स्ट्रक्चर में, इसको लोग रेटिकुलेट कहते हैं। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आप जब आगे पढ़ेंगे तो कोई सीधे कह देगा ये इसकी लीफ रेटिकुलेट है, इस प्लांट की पैरेलल है, या जितने मोनोकॉट है उसमें पैरेलल पाए जाते हैं, या कोई पूछ देगा राइस की लीफ का वेनेशन कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोकोट के पैरेलल होते हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई है। अब क्या है, डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस है, जैसे कि टेंड्रिल्स जो है वो हो सकता है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन हो, या हो सकता है कि लीफ का मॉडिफिकेशन हो। तो कुछ प्लांट में लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, कुछ में स्पाइंस जो होते हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन ये जितने भी कैक्टस वैक्टस के जितने भी स्पाइन है ये लीफ के मॉडिफिकेशन है। वैसे ही पिचर प्लांट आपने सुना होगा, जो वैसे पौधे होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी जहां जिस जगह में होती है वहां उगते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े को खाते हैं और वहां से प्रोटीन लेते हैं, तो पिचर प्लांट जो होता है जिसको घटपर्णी हिंदी में कहते हैं, तो ये जो निपेंथिस इसका एग्जाम्पल है। और तो ये सारे जो है वो लीफ के मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा कुछ प्लांट में हुक बन जाता है, जैसे बिगोनिया, ये भी सपोर्ट के लिए होता है, तो ये सारे लीफ के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। अब देख लो ये डायग्राम,
ये डिफरेंट टाइप के लीफ के अरेंजमेंट या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपको इनफ्लोरेसेंस पढ़ना है, उसके अलावा फ्लावर्स भी पढ़ने हैं, फ्रूट्स भी पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लावर्स, फ्रूट्स और ये सब देखेंगे। यस मैम। फ्लावर्स, फ्रूट्स और आगे आपको क्या क्या पढ़ना है, 1 मिनट देख लो जरा। हाँ, थोड़ा सा ये देख लो, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। इनफ्लोरेसेंस आपको पढ़ना है, आगे आपको फ्लावर पढ़ना होगा, फ्रूट्स पढ़ना होगा, मॉर्फोलॉजी में सारी चीजें पढ़नी होंगी। तो ये जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसमें क्या है, जैसे आपने देखा कि लीफ में लीफ का अरेंजमेंट ब्रांच पे कैसा है, उसके बेसिस पे उसको फाइलोटैक्सी कहते हैं, वैसे ही अगर फ्लावर का अरेंजमेंट ब्रांच के ऊपर या फ्लोरल एक्सिस के ऊपर कैसा है, इसको हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस होता है जो कुछ फ्लावर्स होते हैं जो क्लस्टर में होते हैं, कुछ फ्लावर अलग टाइप के हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे 2 तरीके के हो सकते हैं, इनफ्लोरेसेंस को 2 टाइप का बांटते हैं। आप देख लो, दो दो टर्म याद कर लो। फाइलोटैक्सी में क्या होता है, लीफ का अरेंजमेंट पढ़ते हैं, जबकि इनफ्लोरेसेंस में हम लोग फ्लावर का अरेंजमेंट ब्रांच पे कैसा है ये पढ़ते हैं। तो ये जो होता है, ये इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, ये फिजियोलॉजी का अगला कोर्स पढ़ोगे, वो पढ़ाऊंगी आपको, 15 में पता नहीं लेकिन रज बसोदा में पढ़ाऊंगी। तो प्लांट को ना 2 पार्ट पे बांटते हैं, डिटर्मिनेट फ्लावर और इनडिटर्मिनेट फ्लावर, तो इसलिए ये टर्म। लेकिन जब आप बॉटनी के हिसाब से पढ़ते हैं ना, या अभी आप लोग प्लांट की मॉर्फोलॉजी लिखेंगे, अलग अलग फैमिली पढ़नी है आपको, तो उसमें आपको ये सारे टर्म यूज करने हैं, रेसिमोस, साइमोस। तो इनडिटर्मिनेट क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से इसको आपको बताती हूँ। आपको मोस्टली क्या होता है कि प्लांट है, प्लांट में लीफ आता है और लीफ आने के बाद फ्लावर आता है, यूजुअली ऐसा होता है कि रूट बना, फिर स्टेम बना, स्टेम के बाद लीफ आया, लीफ के बाद फ्लावर आया, फिर फ्रूट बना, फ्रूट के बाद सीड बना। तो ऐसे प्लांट को हम लोग डिटरमिनेट कहते हैं, वो डिटरमाइंड है कि उसको क्या करना है। जैसे कुछ बच्चे डिटरमाइंड है हमें IAS बनना है, तो शुरू से वो क्लास नर्सरी क्लास 1 से ही उसके लिए करने लगेंगे, तैयारी करने लगेंगे। कुछ बच्चे 10th तक हमें डिसाइड ही नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, कभी हम बैंकिंग के लिए सोच लेंगे, कभी हम डॉक्टर बनने के लिए सोच लेंगे, कभी कुछ इधर पढ़ लेंगे, कभी उधर पढ़ लेंगे, कभी SSC पढ़ लेंगे, इनडिटर्माइंड, सोचा ही नहीं कभी। प्लांट में भी वैसा ही होता है, उनका पूरा स्ट्रक्चर डिसाइडेड है तो उसको हम लोग डिटरमाइंड कहते हैं। और डिटरमाइंड का दूसरा नाम साइमोस है, जो कि आप बहुत अच्छे से याद कर लो, साइमोस, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसे, आपको बताना होगा साइमोस टाइप। उसके अलावा कुछ इनडिटर्मिनेट होते हैं, जैसे कि जितने भी पल्सेज हैं उसमें देखना आप क्या होता है, पहले रूट, लीफ, रूट ब्रांचेज, ये सब मतलब स्टेम आ गया, ब्रांचेज आ गया, लीफ आ गया, उसके बाद उसकी फ्लावर आ जाएगी, फलियां आ जाएंगी यानी फ्रूट आ जाएंगे, फिर से लीफ आ जाएगा, फिर से। इसलिए देखना कि जितने भी पल्सेज वाले पौधे होते हैं उसकी 2-3 मटर की तोड़ाई एक बार में नहीं होती, एक बार होगी फिर 10 दिनों बाद फिर होगी, फिर 10 दिनों बाद फिर होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, लीफ आ गया, फ्रूट बन गया, फिर से वो लीफ लाते हैं, फिर से फ्लावर बनाते हैं, फिर से फ्रूट बनाते हैं, तो उनका इनडिटर्मिनेट हो गया। तो पल्सेज के जो भी है एग्जाम्पल है इनडिटर्मिनेट के, तो इनडिटर्मिनेट का दूसरा नाम है रेसिमोस, जबकि डिटर्मिनेट का दूसरा नाम है साइमोस। तो ये आप समझ गए, सब लोग समझ गए होंगे। अब इनडिटर्मिनेट के भी अलग अलग टाइप है, जैसे स्पाइक, स्पाइकलेट, रेसिम, पैनिकल, कोरिम, कंपाउंड, इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरीके से डिटर्मिनेट के भी अलग अलग नाम है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। इतना बहुत डेप्थ की जरूरत नहीं है, पर आपको इतना तो पता ही होना चाहिए रेसिमोस क्या है और साइमोस क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स और उसके काम क्या है इसका। और तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो होता है कंप्लीट फ्लावर, उसमें 4 पार्ट होते हैं। गंज बसोदा वाले बच्चे फ्लावर्स भी लिखेंगे प्रैक्टिकल में, टू स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स, टू स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स। समझ में आ गया?
बासोदा, आप लोगों को यस मैम, एक पहला सेल लिखना है, उसके बाद रूट का, लीफ का, स्टेम, रूट स्टेम लीफ, और फिर उसके बाद ये चार प्रैक्टिकल हो गए थे आपके, और पांचवा जो होगा ये फ्लावर्स होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स। तो जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं उसमें ना बाहर का पार्ट होता है, जो आप जैसे गुड़हल का फूल देखा आपने, उसमें जो हरा हरा सा प्लांट लास्ट में आप बनाते हैं जहां से फ्लावर अटैच रहता है, उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। वो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और थोड़ा फूड सिंथेसिस भी करता है, ग्रीन है तो। उसके बाद कोरोला होता है। कोरोला क्या होता है? कोरोला जो कलरफुल पार्ट दिखते हैं ना, उसको हम लोग कोरोला कहते हैं। उसके बाद जो उसका मेल पार्ट फ्लावर का होता है, जैसे गुड़हल है उसमें आपको एकदम पॉलन जैसे एक लंबा सा निकला हुआ दिखता है, वो उसका मेल पार्ट है, उसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। और एक अंदर जब आप उसको गुड़हल का या गेंदे का खोलेंगे ना, तो एक सफेद जैसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। अब इन सब के एक एक पार्ट है, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जैसे एंड्रोसियम है ना, एंड्रोसियम के यूनिट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो एंड्रोसियम के, सॉरी, कैलिक्स से शुरू करेंगे अपन, कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स के यूनिट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। सेपल, बहुत सारे सेपल के मिलने से एक हरा हरा जो दिखता है ना, उसमें से एक पार्ट को हम लोग सेपल कहेंगे। उसी तरीके से आप कहते हैं ना भगवान को पेटल चढ़ा दो, ये रोज पेटल है। क्यों? क्योंकि उसका कलरफुल पार्ट को हम कोरोला कहते हैं, और एक एक पार्ट को, एक एक यूनिट को हम लोग पेटल कहते हैं। तो वो पेटल हो गया, और एंड्रोसियम हो गया, और गाइनोसियम हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये कंप्लीट फ्लावर हुआ। और इनकम्प्लीट फ्लावर के होता है ये, तो या तो उसमें मेल फ्लावर होगा वो, या फीमेल फ्लावर होगा। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो वैसे जब एक ही साथ होता है ना, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट एक ही साथ होता है, उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मतलब उसमें मेल और फीमेल पार्ट एक साथ होगा, और जिसमें नहीं होगा उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे पपाया है, पपाया में मेल फ्लावर अलग होता है अलग प्लांट में, फीमेल प्लांट फ्लावर अलग प्लांट में होता है। तो उसके वजह से प्लांट को भी हम अलग अलग टाइप से कहते हैं, मोनोसियस और डायोसियस प्लांट कहते हैं। वैसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर, चाहे वो एक साथ हो या अलग अलग हो, एक ही प्लांट पे पाया जाता है, उसको हम लोग मोनोसियस कहते हैं, और जिसमें अलग अलग पाया जाता है उसको हम लोग डायोसियस कहते हैं। आपने फिर आंवला है, उसको कभी भी अकेले मत लगाओ, दो तीन प्लांट को एक साथ लगाओ। क्यों? क्योंकि उसका मेल फ्लावर अलग प्लांट पे पाया जाता है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल अलग है, तो फिर वो फर्टाइल नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर फ्रूट्स नहीं आएंगे। इसलिए कहते हैं दो या तीन प्लांट्स को, ये मतलब दो फीमेल और एक मेल लगाओ, ऐसा करके ज्यादातर ऐसा कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्लावर हो गया आपका। फ्लावर का क्या फंक्शन है? फ्लावर का फंक्शन है कि दो तीन फंक्शन है। एक तो कलरफुल पार्ट है, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, तो पॉलिनेशन में मदद करता है। उसके अलावा ये फ्लावर्स जो होते हैं ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फ्रूट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से ये फ्लावर का पार्ट है। तो ये आपका फ्लावर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रूट पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा ये मॉर्फोलॉजी पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में अब दोबारा नहीं बताऊंगी मैं, ध्यान से सुन लो, सब लिख लेना आप लोग, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रेडी कर लेना। पहला प्रैक्टिकल है टू स्टडी अबाउट प्लांट सेल, इट्स ऑर्गेनेल एंड इट्स फंक्शन, अलोंग विथ डायग्राम। डायग्राम तो सब में आएगा, प्रैक्टिकल है तो। उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल टू स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, इट्स फंक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन। और तीसरा हो जाएगा वैसे ही स्टेम का, और चौथा हो जाएगा लीफ का। तो ये पन्ना के बच्चों को ये चार प्रैक्टिकल अपने रिकॉर्ड में लिखना है, और गंज बासुदा वाले बच्चों को इसके साथ साथ फ्लावर्स स्ट्रक्चर हो गया। इतने प्रैक्टिकल्स आपको लिखने हैं अपने रिकॉर्ड में, और इसी से आपको एग्जाम्स में भी आएगा। उसके अलावा असाइनमेंट मैं दोनों ग्रुप में डाल दूंगी, आपका नाम लेके लिख के कि कौन कौन सा टॉपिक करना है, आप असाइनमेंट
रेडी करना, हार्ड कॉपी में रेडी करना है। पन्ना के बच्चे पन्ना में ही सबमिट करेंगे और गंज बासोदा के बच्चे हमारे पास, मेरे पास। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।